क्या कारण है कि बुद्ध भारत में होकर भी आज इतने प्रचलित नहीं है जितने विदेशों में प्रचलित हैं? जिसके अनुयायी नहीं होंगे, जिसके प्रचारक नहीं होंगे, उसको कौन जानेगा जी। इस देश में बुद्ध के अनुयायी नहीं है, बुद्ध के प्रचारक नहीं है, और जो इस समय है भी वो बुद्ध की बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं जी। बुद्ध के नाम पर कार्यक्रम करेंगे, भाषण अपना देंगे जी। जबकि अनुयायी होता है या प्रचारक होता है वो अपनी बात नहीं करता जी। वो अपने शास्त्रता की बात करता है जी। आज हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हमें बुद्ध के धर्म को स्थापित करना है, बुद्ध के मार्ग को लोगों को समझाना, तो हमें बुद्ध के मार्ग की बात करनी चाहिए, हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से भारत में आज जो भी बौद्ध बने हैं वो भी धर्म की बात ना करके संस्कारों में ज़्यादा काम करने लगे हैं। लेकिन ये पिछला समय था, अब पिछले आप देख रहे होंगे 5 से 7 वर्षों में भारत में एक बहुत बड़ा उभार आया है। अब लोग बुद्ध की बात करने लगे हैं, बुद्ध के मार्ग की बात करने लगे हैं, और बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतारने की बात करने लगे हैं। अभी तक हम सिर्फ बौद्ध बौद्ध की बात करते हैं, बौद्ध लिखो बौद्ध दिखो, लेकिन अब क्या है, अब बुद्ध धर्म को, बुद्ध की शिक्षाओं को आचरण में उतारो। जब आचरण में उतरेगा तब धर्म स्थापित होगा, क्योंकि आचरण में उतरी चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है जी। और हम चाहते हैं कि ये बात स्थापित हो जाए, और अब बहुत युवा भिक्खु भी बनने लगे हैं, बनते धर्मशील जी हरियाणा से हैं, ये भी अपनी नौकरी छोड़ करके बीआरएस लेकर के भिक्खु बने हैं। जब युवा भिक्खु धम में आकर के धम का काम कर लगेंगे तो निश्चित रूप से भारत में भी दोबारा से धम नजर आने लगेगा, और हम कामना करते हैं कि जो बाबा साहब का स्वप्न था बौद्ध में भारत का, वो दोबारा साकार होगा, और अब पूरी उम्मीद के साथ हम इस बात को समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।